लाइव खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रवीण शर्मा। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के पक्ष में माहौल बनाने अखिलेश यादव सड़क मार्ग से लखनऊ से शुक्रवार देर रात रामपुर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। वहीं इस दौरान माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखा। वहीं रामपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने आजम खान के हम सफर रिसोर्ट में जनसभा की, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भी हम जेल गए हैं तब हमारी सरकार बनी है। उन्होंने आज़ादी के बाद अगर किसी नेता पर सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो वह नेताजी मुलायम सिंह यादव हैं, जिनके खिलाफ एक ही रात में 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज करा दिए गए थे। अब आजम खान के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से गलत हैं। आजम खान जैसे समाजवादी नेता पर बकरी चोरी और भैंस चोरी के इल्जाम में झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। आजम खान पर सिर्फ इसलिए मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने गरीबों और कमजोरों के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जोहर यूनिवर्सिटी बनवाई थी। सरकार चाहे जितने भी जुल्म करा ले, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आजम खान से हमारा कोई सियासी रिश्ता नहीं है बल्कि पारिवारिक रिश्ता है। उन्होंने हमें उसी तरह माना है जैसे उन्होंने अब्दुल्ला को माना है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उन्हें परिवार का सदस्य माने। जब हम पर परेशानी आई, नेताजी पर परेशानी आई, तब हमारे साथ हमारे आजम खान ने पूरा साथ दिया। आइए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रिजवान खान। रिजवान खान, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से जो है अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं, उन्होंने क्या क्या किया है? देखिए, आपको बता दूं, अखिलेश यादव रामपुर दो दिन का दिवस दौरा था उनका। रात 8 बजे रामपुर पहुंचे थे। रामपुर पहुंचने के बाद वो सभा कार्यकर्ताओं से मिले और काफी सांसद से उनसे मुलाकात करी, और सुबह थे वकीलों से भी उनसे 50 वकील आए थे, उनसे ही मुलाकात की। आजम खान के बजे लगातार 80 से ज्यादा मुकदमे हो चुके हैं, उसको लेकर के उन्होंने बातचीत की है और पूरे प्रदेश में जो है प्रदर्शन की बात करी। इन जिस तरह से आजम खान के ऊपर मुकदमे लग रहे हैं वो नहीं लगने चाहिए। आजम खान को ऐसा जैसे मुजरिम बना रखा, मतलब इस तरह के बकरी चोरी का, भैंसी चोरी का मुकदमे लग रहे हैं, तो इस तरह के नहीं लगना चाहिए जी। तो रिजवान जी, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आजम खान के जो है पक्ष में उतर आए हैं अखिलेश यादव और आजम खान का बचाव करना चाहते हैं? जी, आजम खान के बचाव में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव वाले उतर गए, क्योंकि उससे पहले पीसी करके मुलायम सिंह यादव आए थे। अब अखिलेश यादव ने पीसी करी थी, उससे 13 तारीख का प्रोग्राम रखा गया था, तो यहाँ 13 तारीख में बोली यहाँ पहुंचे रामपुर। रामपुर पहुंचने के बाद उनका कार्यक्रम जो रंगोली मंडप में था, लेकिन उन्होंने कहा रंगोली मंडप में नहीं जाऊंगा, तो ये हम सफर रिजोर्ट आजम खान। रिजवान खान, सोचने वाली बात है कि मुकदमा दर्ज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आजम खान ने गलत कार्य किए हैं जो कि उन पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, तो अखिलेश यादव ऐसे में बचाव करने आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि अखिलेश यादव जो है गलत आदमी का साथ दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अखिलेश यादव ने बिल्कुल अभी 10 मिनट पहले पीसी करी है, अभी आजम खान की आवाज पे भी यहाँ से पीसी करके निकले, हम उनके पीछे ही चल रहे हैं और पीसी करके साफ इतनी बोरी उन्होंने गड्डी दिखाई है, जो गड्डी उन्होंने कोर्ट से राहत हमें मिलेगी, जितने ही मुकदमे करवाएंगे कोई मुकदमे सब कर देंगे। इसमें के भैंस चोरी ना तो कर सकते हैं, ना किसी की बकरी चोरी कर सकते हैं, वो तो आपराधिक उन्होंने मुकदमा कायम कर दिया, लेकिन कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा और हम कोर्ट पे जाएंगे और हम इससे गवर्नर से ही मुलाकात करेंगे, उनसे टाइम लेंगे, उनसे इस विषय में उनको सारी चीजें दिखा जाएंगी, एप्लीकेशन जो हमारे पास आई है। कहीं ना कहीं रामपुर एससी को भी उन्होंने निशाने पर लिया और डीएम साहब उनको भी निशाने पर लिया, रामपुर एसपी को कहा उन्होंने शायद वो नर्डा जाना चाह रहे हैं, जिस प्रमोशन की अपनी बात कर रहे हैं उन्होंने एसपी को भी लिया। रिजवान जी, अखिलेश यादव ने कहा है जोहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी कहा है कि जो है बच्चों के भविष्य के लिए जो है बनवाई गई थी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बच्चों, उन्होंने सीधा उन्होंने यूनिवर्सिटी पे कहा, उन्होंने कहा ये भीख मांग के जो उनके उनके फादर ने कहा था भीख मांग के जो यूनिवर्सिटी बनवाई गई है चंदे से यूनिवर्सिटी मनी में, जिस तरह का यूनिवर्सिटी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, मुकदमे कायम हो रहे हैं, कभी किसानों द्वारा हुए थे, कभी किताब चोरी होता वो मुकदमे कायम हुए थे, लगातार आजम खान कभी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं, 80 से ज्यादा उनके ऊपर मुकदमे कायम हुए हैं, उनको राहत के साथ नहीं मिल रही, क्योंकि आजम खान ने रामपुर के बाहर और अखिलेश यादव इस बात रामपुर के अंदर, और अखिलेश यादव अभी 10 मिनट पहले आजम खान की आवाज़ पे आजम खान की पत्नी राज्यसभा सांसद है उनसे मुलाकात करने की अंदर गए, उर्दू गेट जो टूटा उससे वहाँ भी पहुंचेंगे, यतीम खाने पर जो उन्होंने स्कूल बना दिया था, जो किसानों ने मुकदमे उनके ऊपर कराए थे जाने के बाद, वो स्कूल से भी पहुंचेंगे, उर्दू गेट पे भी पहुंचेंगे, अभी इस वक्त आजम खान के घर पे हैं, रात को 8 बजे यहाँ से निकलेंगे भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान खान जी ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रिजवान खान, जिन्होंने आपको पूरी विस्तार के साथ बताया कि अखिलेश यादव वहां पहुंचे और कहीं ना कहीं आप खुद देख सकते हैं कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से आजम खान के बचाव में उतर आए हैं। तो अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव क्या उनके बचाव में धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर उनको कार्यकर्ताओं को लेकर योगी सरकार पर जो है निशाना तो साध ही रहे हैं, क्या योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे, ऐसे तमाम सवाल उठते हैं। अब देखेंगे कि अखिलेश यादव आखिर क्या करना चाहेंगे।
देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें लाइव खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।